गौतम बुद्ध नगर पुलिस कप्तान ने अपने ही विभाग के 4 पुलिस कर्मियों सहित 15 लोगों को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया है जिसे जानने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक गैंग के साथ मिलकर पुलिस ऐसा काम कैसे कर सकती है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस कप्तान की चहुंओर तारीफ हो रही है। पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है, एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है और 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें चौकी इंचार्ज सेक्टर 44 थाना 39 सुनील शर्मा शामिल हैं, 3 सिपाही शामिल हैं, 3 PCR के ड्राइवर शामिल हैं और बाकी 2 महिलाएं शामिल हैं और कुछ प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कप्तान को 3-4 दिन पहले शिकायत मिली थी कि नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेक्टर 44 पुलिस चौकी क्षेत्र में एक ऐसा गैंग है जो लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली कर रहा है। इस मामले में जब कप्तान ने जांच शुरू की तो पता चला कि एक दरोगा के अलावा 3 सिपाही भी शामिल हैं। भोले भाले लोगों को फंसाने का काम 2 महिलाएं करती हैं। इसके बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचता था तो इस गैंग में से ही कुछ लोग महिला के परिवार के बन जाते थे और कुछ वकील और समझौता कराने के नाम पर प्रतिष्ठित लोग बनकर पैसे ऐंठने का खेल शुरू कर देते थे। वैसे एक व्यक्ति का नाम चेयरमैन अवाना करके लिया जाता था कि ये चेयरमैन साहब हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, फैसला करा देंगे। एक वकील बताया जाता था, जो लड़की की तरफ से वकील आता था, वो इस तरीके का वकील नाटक करता था कि वो एप्लीकेशन लिख रहा है लड़की की तरफ से बलात्कार की और बलात्कार का मुकदमा लिखा के तथा कथित अभियुक्त को जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके का पूरा प्रपंच चौकी पर रचा जाता था। जो पीड़ित उसमें होता था अपने आप को चारों तरफ से घिरा समझ के वो समझौता करने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हो जाता था तथा कथित पीड़िता को। लोगों को फंसाने का काम महिला कैसे करती थी, इसे ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आप भी आने वाले समय में शिकार ना हो जाएं। गैंग में शामिल महिला राहगीरों की कार रुकवाकर पहले लिफ्ट मांगती थी। वो पर्स और अन्य नकदी सामान लूटने का बहाना बनाती थी। कार में बैठकर थोड़ी दूर चलकर ऐसी जगह उतरने के लिए बोलती थी जहां सेक्टर 44 पुलिस चौकी की PCR खड़ी रहती थी। उतरते ही महिला PCR पर तैनात पुलिस कर्मियों से शिकायत करती थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर PCR पर तैनात पुलिसकर्मी उस महिला एवं तथाकथित अभियुक्तों को चौकी पर लेकर आते थे, जहां पर महिला पक्ष की तरफ से कुछ अन्य लोग आ जाते थे। फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। तथाकथित अभियुक्त व्यक्तियों को ब्लैकमेलिंग कर चौकी इंचार्ज के माध्यम से फैसला करवाने के नाम पर पैसे की वसूली की जाती थी। कई लोगों को रोका गया जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और किसी लड़की ने रोका, अलग अलग लड़कियों ने, और लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में बैठी और कुछ दूरी चलने के बाद वो लड़कियां उतर गई और वो ऐसी जगह उतरती थी जहाँ पे पुलिस की PCR खड़ी रहती थी। वो लड़कियां PCR के पास जाती थी और इस तरीके का आरोप लगाती थी कि उनके साथ बलात्कार हुआ या बलात्कार करने का प्रयास किया गया। इस शिकायत पे PCR चौकी पे लेके आती थी उस तथाकथित अभियुक्त को और उस तथाकथित पीड़िता को। चौकी पे लाने के बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा कुछ लोग वहाँ पे बुला लिए जाते थे जिन्हें कहा जाता था कि ये लड़की की तरफ से हैं। पुलिस कप्तान वैभव कृष्ण ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने बताया कि मामले की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम को सौंपी गई। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम ने सेक्टर 44 पुलिस चौकी पर रंगे हाथ 3 आरक्षियों को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज सेक्टर 44 सुनील शर्मा, 3 आरक्षी मनोज, अजय वीर और देवेंद्र शामिल हैं। PCR 50 के 3 प्राइवेट ड्राइवर और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। चौकी पे 3 सिपाही तैनात थे, तीनों सिपाही इसमें इन्वॉल्व थे। PCR पे इनकी बदल बदल के ड्यूटी लगती थी। PCR के जो ड्राइवर थे, 3 प्राइवेट ड्राइवर, वो भी इसमें संलिप्त थे। एक अंकित नाम का अभियुक्त जो मैंने बताया, ये लड़कियों का इंतजाम करता था। एक लेडी तो इस अंकित की खुद की वाइफ है, जिसे ये यूज करता था। एक पूजा नाम की अभियुक्ता है, वो भी इसके टच में थी। देशराज अवाना नाम से जो व्यक्ति है, इसे बुलवाया जाता था चेयरमैन कह के। एक हरिशंकर शर्मा नाम से एक व्यक्ति है, जिसे कि वकील कह के बुलवाया जाता था। और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक सलीम नाम का अभियुक्त है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। एक अनूप पाठक करके अभियुक्त है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। तो कुल मिला के 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। बड़ा नेक्सस ये चल रहा था, इस तरीके का पाया गया। ये पाया गया कि
ये चौकी इंचार्ज जब से इस चौकी पे तैनात था करीब मार्च प्रथम सप्ताह से, तब से तो धड़ल्ले से चली रहा था। उससे पहले भी जब ये चौकी विश टाउन पे थाना एक्सप्रेसवे पे तैनात था, संभवतः उस समय भी इसने इस तरीके की घटना की है। खबरों को देखने के लिए जनप्रभात पर बने रहिए। नमस्कार।